ये प्रदर्शनी मत लगाओ। ये प्रदर्शनी मत लगाओ, ये शब्द हैं उस माँ के जो अपने बेटे को खोने के बाद इतना टूट गई है कि उसके अंदर खड़े होने भर की भी ताकत नहीं है। लेकिन नेताओं की बेशर्मी तो देखिए, इस मुश्किल वक्त में भी उस माँ को सहारा देने के बजाय जबरन प्रदर्शनी लगाकर सांत्वना के नाम पर फोटो खिंचवा रहे हैं। जम्मू के राजौरी में आतंकियों से देश की रक्षा करते हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता देश के लिए कुर्बान हो गए। शुभम के घर आगरा जैसे ही शहीद होने की खबर मिली, पूरा परिवार सदमे में आ गया था। एक माँ से उसकी आंखों का तारा छिन गया, पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। खबर मिलने के बाद दूर दराज से लोग शुभम के परिवार से मिलने और इस मुश्किल घड़ी में साथ देने पहुंच रहे, तो इसका फायदा नेता कैसे उठाने से चूक जाते। वो भी वहां पहुंच गए और मदद के नाम पर बेशर्मी करने लगे। माँ की ऐसी हालत है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, प्रदर्शनी लगाने को मना कर रही है, उस वक्त भी ये नेता फोटो सेशन करा रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान आगरा के सपूत कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए। उनके शहीद होने की खबर बुधवार शाम 7 बजे परिवार को मिली। खबर सुनते ही परिवार शोक में डूब गया। शुभम से दिवाली पर परिवार के लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की थी, तब उन्होंने अगले सप्ताह आने की बात कही थी, लेकिन वो अपना वादा निभाए बिना ही देश के लिए कुर्बान हो गए। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश इस परिवार के साथ खड़ा है और जाबाज कैप्टन शुभम को सलाम कर रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।